नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में, और जो हमारा अभी आईपीओ चल रहा है उस आईपीओ में कितना सब्सक्राइब हुआ, क्या आपको अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैसेज वेक्टर आईपीओ जो है उसमें आपको अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आज काफी न्यूज में है, क्योंकि बजाज फाइनेंस जो आज यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, देख सकते हैं आप, ये जो इसका पहले का हाई था वो था हमारा 4900, आज अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है बजाज फाइनेंस। आज इसका अपना ऑल टाइम हाई जो न्यू हाई बनाया है वो है 5150 रुपीज। तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, और यहाँ से जो ब्रेकआउट है यहाँ पर 10,000 का लेवल दिया जा रहा है कि ये स्टॉक 10,000 तक के लेवल तक जा सकता है। तो दोस्तों काफी मतलब बेहतरीन न्यूज है। अगर आप बजाज फाइनेंस में अगर मतलब इन्वेस्ट किए हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए शेयर, क्योंकि ये सेक्टर का लीडिंग स्टॉक से साथ ही साथ काफी बेहतरीन स्टॉक है। तो इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। तो ये इस स्टॉक को जब भी गिरावट आए तो आपको जरूर बाय करें। तो बाय ऑन डिप्स वाले ये स्टॉक है, और देख सकते हैं 5% का अप है, मतलब 5% का सर्किट लगा। इतना बड़ा स्टॉक, इतना हाई प्राइस, उसके बाद 5% से ये स्टॉक तेज है। तो इतना ज्यादा तेजी एक एक दिन में आपको देखने मिलता है। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारा आज का, कि जो मिसेज बेक्टर आईपीओ है आज सब्सक्राइब्ड हुआ नियरली 4 times पहला दिन, और मात्र 2 घंटे में ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था, और ये कुल मिलाकर के फर्स्ट डे ही ये 4 times सब्सक्राइब हो चुका है। आप 17 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब कल 16 दिसंबर और परसों 17 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। अलॉटमेंट तो बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है। मैं काफ़ी सारे आईपीओ में अप्लाई किया, लेकिन किसी भी आईपीओ में मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला। तो दोस्तों इस तरह से आप अप्लाई करते रहिए, 1, 2, 3, 4, 5 अपने फैमिली मेंबर के 3-4 अकाउंट अप्लाई कीजिए, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा अलॉटमेंट का काफ़ी ज़्यादा होगा। हम एक ही अकाउंट से अपने अकाउंट से अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है अलॉटमेंट मिलने का। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन आईपीओ है और काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आपको इसमें मिल सकता है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन बिजनेस है, और जो बिजनेस है वो किसी भी पैंडमिक से और प्रभावित रहने वाला है। तो ये था मिसेज बेक्टर आईपीओ। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, अगर आप अलॉटमेंट में था अच्छा खासा आप प्रॉफिट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला है हमारा यस बैंक। यस बैंक लगातार न्यूज़ आ रहा है कि ये 40 रुपीज तक जा सकता है, लेकिन जब से न्यूज़ आया है 40 रुपीज तक जा सकता है, ये 21 रुपीज का हाई लगाने के बाद उल्टा ही मतलब नीचे की ओर ये शेयर प्राइस आ रहा है। देख सकते हैं लगातार दूसरे दिन इसमें गिरावट देखने मिला, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से जो 14 रुपीज से ये मतलब तेजी इसमें देखने मिला था, 14 रुपीज से जो तेजी हमको देखने मिला, तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हो रहा हो, तो कंसोलिडेशन के बाद फिर से इसमें तेजी आ सकती है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो आप बने रहिए, काफ़ी अच्छा मतलब न्यूज़ आ रहा है। जो भी न्यूज़ आ रहा है इस बैंक के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे पॉजिटिव फेवर में आ रहे हैं शेयर होल्डर के। तो आप इसमें चाहे तो बने रह सकते हैं, अगर लोअर लेवल पे आपने बाय किया है। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर यहाँ से यस बैंक का स्टॉक ऊपर तेजी दिखाता है तो आप इसमें फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है ITC लिमिटेड। इस पर हमने वीडियो भी बनाया था कि ये जो स्टॉक है बार बार 210-215 जाता है, बार बार नीचे आ जाता है। इस बार जो है अपने मतलब 210-212 उसके क्रॉस किया था और 216 रुपीज तक ये गया था, लेकिन वहां से फिर से दूसरे दिन इसमें देख सकते हैं गिरावट आया है। आज 1% डाउन है ये स्टॉक, तो फिर से इस स्टॉक में गिरावट मतलब शुरू हो चुका है। अगर ये स्टॉक यहां पर सस्टेन नहीं करता है तो फिर से इसमें हमें गिरावट देखने मिल सकता है। अगर यहां पर सस्टेन कर जाता है 210 रुपीज के ऊपर, तो आपको इसमें एक मोमेंटम ऊपर की ओर देखने मिल सकता है। लेकिन जो आज हमारा था निफ्टी में भी गिरावट था, मतलब हमारा पूरा मार्केट में ही गिरावट था, तो जिसके कारण इसमें गिरावट आपको देखने मिला। तो अगर ये स्टॉक 210 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको इसमें बड़ी तेजी देखने मिल सकती है, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा प्राइस है, आप यहाँ पर SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ITC जो ITC स्टॉक है काफ़ी बेहतरीन है। अगर आपने
इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ITC के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ये भी स्टॉक देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रैली करने के बाद ये स्टॉक यहाँ पर लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। तो देखते हैं इस यहाँ पर ये 2300 वहाँ पर जाता है, फिर से 2000 के प्राइस पर आता है। इस बार तो ये 2000 के प्राइस के लेवल को भी ब्रेक कर दिया और ये स्टॉक आ चुका था आपका 1850 रुपीज़ तक, 1850 रुपीज़ तक देख सकते हैं, 1850 रुपीज़ तक। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें गिरावट देखने मिला था, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें, लॉन्ग टर्म चार्ट पर काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और जब से जियो का बिजनेस आया है रिलायंस का काफ़ी तेज़ी देखने मिला और जो जियो में इन्वेस्टमेंट था डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस का और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का, जिसके कारण ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी देखने मिला था। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। फिर से अगर इसमें रिटेल बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो फिर से आपको इस स्टॉक में 3000 का लेवल देखने आपको मिल सकता है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अगर आपको गिरावट में मिलता 1800 उसके नीचे तो ज़रूर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स वाले स्टॉक हैं तो हर डिप पर आप इसमें बाइंग करते रहें। उसके बाद वोडाफोन आइडिया, बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो पूछते हैं कि आप वोडाफोन आइडिया के 1000 शेयर बाय कर लें, इतना शेयर बाय कर लें। दोस्तों ऐसे शेयर को आपको बाय करने नहीं चाहिए बल्कि अवॉइड करने चाहिए जो इस कंपनी के मतलब बिजनेस काफ़ी प्रभावित है। इसको जियो से काफ़ी टक्कर मिल रहा है, एयरटेल से मिल रहा है, साथ साथ कंपनी डेट मतलब काफ़ी ज़्यादा डेट है इस कंपनी के ऊपर। जब तक कंपनी का डेट खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको इस तरह के स्टॉक से बचनी चाहिए। तो क्योंकि कंपनी पूरी तरह से डेट पे है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी प्रभावित है, क्या होगा आगे कुछ भी निश्चित नहीं है, तो ऐसे स्टॉक से आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो जब ये स्टॉक नीचे के प्राइस पर आए तो आप इसमें 200, 300, 500 इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना बड़ा कैपिटल कभी भी इन्वेस्ट ना करें। तो देखते हैं वोडाफोन आइडिया अपना जो ऑल टाइम लो बनाया था 2.70 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ के आसपास मैंने कहा था कि आप इसमें चाहे तो कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए था। अभी आप इसमें इन्वेस्ट करने से बचें और जब भी इन्वेस्ट करें ऐसे छोटे स्टॉक में छोटा अमाउंट अपना इन्वेस्ट करें। उसके बाद IRCTC काफ़ी न्यूज़ आया, इसमें OFS आ रहा है, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में आप शेयर ले सकते हैं, मात्र 1300 समथिंग रुपीज़ पे आपको ऑफर फॉर सेल में मतलब जो शेयर्स है वो मिल जाएंगे। तो आप इसमें मतलब जो फ्रेश शेयर है वो बाय करने से बचें। ऑफर फॉर सेल में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफर फॉर सेल में आपको काफ़ी सस्ते में स्टॉक्स मिल जाएंगे। कल काफ़ी तेज़ी देखने मिला था, आज देख सकते हैं 2.7% का मतलब करेक्शन देखने मिला है। तो एक दिन तेजी एक दिन करेक्शन, इस तरह से कुछ इस स्टॉक में देखने मिल रहा है। मतलब ये 1300 और 1500 इसके बीच में स्टॉक मूव करता है, फिर करेक्ट होता है, फिर मूव करता है, फिर करेक्शन देखने मिलता है। आप यहाँ पर देखते हैं कि इसी रेंज में स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें कि हमारा स्टॉक का डायरेक्शन क्या होगा। ऑफर फॉर सेल में काफ़ी अच्छे प्राइस पर स्टॉक मिल रहा है, आप उसमें चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर है लार्सन एंड टूब्रो, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इस स्टॉक को मिलता है और काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। देख सकते हैं यहाँ पर सितंबर से लेकर अभी तक में ये 22% का रिटर्न दे चुका है और काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। जब भी गिरावट में मिले तो आप ज़रूर बाय करें और काफ़ी मतलब अभी भी काफ़ी आपको सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। और जब गिरावट आया था पैंडमिक कारण तो मात्र ये 800 रुपीज़ पे ये स्टॉक आपको मिल रहा था, उस समय आपको ये स्टॉक ज़रूर बाय करनी चाहिए थी। तो ये स्टॉक जब भी गिरावट मिले आप बाय कीजिए, बाय ऑन डिप्स वाले स्टॉक है। और जो लार्ज कैप स्टॉक है उसमें आपको वॉलेटिलिटी कम देखने मिलेगा, मतलब आपका अगर लोअर लेवल पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी सुरक्षित रहेगा। तो जैसे लोअर लेवल पर ये स्टॉक मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे हैं, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। उसके बाद एयरटेल, तो एयरटेल को जियो से काफ़ी टक्कर मिला है, लेकिन एयरटेल के पास काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है, मतलब इसके जो ब्रांड है काफ़ी वैल्यू है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसके जो सब्सक्राइबर बेस है वो घट सकते हैं, जियो की ओर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एयरटेल भी काफ़ी बेहतरीन ब्रांड है, आप देखिए आप जियो या एयरटेल में से किसे प्रीफर करते हैं, तो एयरटेल को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो एयरटेल के स्टॉक भी आपको प्रीफर करना चाहिए। तो ये स्टॉक 400 लेवल तक आ चुका था, आपको वहाँ पर बाय करनी चाहिए थे। देखते हैं
कि अक्टूबर महीने में 400 रुपीज में ये स्टॉक मिल रहा था, उस समय काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो जब भी आपको 400 या उसके नीचे मिलता है तो ज़रूर आपको बाय करनी चाहिए। तो SIP मोड में आप इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में जो इसके बिजनेस है काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि जो आने वाला समय है वो डाटा का है और जो आने वाला समय है काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में इस शेयर का काफ़ी डिमांड बढ़ेगा और कंपनी का जो बिजनेस है आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, तो ऐसे में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो इसमें ज़रूर आप इन्वेस्ट करें और आगे चल करके आपको अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्था गैस ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। जब ये स्टॉक 400 और उसके नीचे था 390 पर, उसी समय मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, और जैसे ये स्टॉक मतलब ऊपर जाना शुरू करेगा तो काफ़ी तेज़ी से जाएगा, और ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया भी और ये 500 रुपीज़ तक के प्राइस को टच कर चुका था। वहाँ से थोड़ा सा फिर से करेक्शन देखने मिल रहा है, जब काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी होता है, यहाँ से 100 रुपये का मतलब तेज़ी देखने मिला तो आपको 15-20 रुपीज़ का करेक्शन भी देखने यहाँ पर मिलेगा। फिर से अगर ये तेज़ी दिखाता है तो फिर ये 600 मतलब 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 600 तक का लेवल आपको इसमें देखने मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपने 400 के आसपास बाय किया था, अगर इन्वेस्ट किया था, आप उसमें बने रहिए और ये स्टॉक अच्छा खासा आपको यहाँ से रिटर्न दे सकता है। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो देख सकते हैं चार्ट काफ़ी सॉलिड है और जो लगभग ये देख सकते हैं 3,342% का रिटर्न दिया है 2004 से 2020 तक में, तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। हर साल इन्वेस्टर के जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया उसको 3 times किया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में ही आपको इन्वेस्ट करना है, जब भी मतलब गिरावट आता है तो गिरावट में आपको ऐसे बेहतरीन स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए, जिसके बारे में हम अपने चैनल पर लगातार आपको बताते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक के कलेक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।